गुड इवनिंग, हाउ आर यू? हार्टली वेलकम इन आवर लाइव क्लास। हमारी लाइव क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। आप हमारे साथ में लाइव वीडियो करते हो गाइस, बहुत अच्छा लगता है। आज हम देखो इंग्लिश ग्रामर के न्यू टॉपिक के साथ में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लाइव जुड़ते हो। आपका प्यार और स्नेह हमारे प्रति ऐसा ही बना रहे। गाइज, हम आज एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम सिंटेक्स नाम देंगे। पहले मेरे सीखते हैं देखो कि सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स होता क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, मैं आपको हिंदी से समझा रहा हूं। मैं कोटा जा रहा हूं, ये मैंने हिंदी लैंग्वेज का एक सेंटेंस लिखा। अब देखो इसमें क्या हुआ, मैं कोटा जा रहा हूं, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मतलब मैं इसको ऐसा कर सकता हूं क्या, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? देखो यहां पर मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब थोड़ा आइडिया लगा सकता है वो, लेकिन जब वो इस सेंटेंस को बोलने के बाद में इस सेंटेंस को इस तरह ना बोले, देखो अगर ऐसा बोलेगा तो उसको समझ में पूरी बात आ रही है, लेकिन अगर इस सेंटेंस को का इन वर्ड्स का सीक्वेंस तोड़कर इस तरह से अगर वो बोलता है तो सामने वाला जो सुनने वाला है वो सिर्फ पकड़ लेगा कि यार क्या बोल रहा है भाई, यार इसको ऐसा बोले, समझ गया? तो ये तो देखो हिंदी लैंग्वेज की बात हुई है। हिंदी लैंग्वेज में जो चीज हमें इन शब्दों को एक सेंटेंस में सही सीक्वेंस में लिखना या पढ़ना सिखाती है, वही काम इंग्लिश में सिंटेक्स करता है। आई थिंक पहले करने का अर्थ है कि सिंटेक्स इंग्लिश ग्रामर की वह ब्रांच है जो हमें यह सिखाती है कि किसी वर्ड को सेंटेंस में किस ऑर्डर से किस सीक्वेंस से लिखना चाहिए। अंडरस्टूड? अब हम इसके डेफिनेशन देना चाहिए। मेरे कहने का है कि ये चीज हमें सिंटेक्स ये चीज बताता है कि सब्जेक्ट कैसा है तो फिर वर्ब कौन सी आनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट किस प्रकार से आए, कोई नाउन आए तो कैसी आएगी, आर्टिकल किस प्रकार से आएगा, डिटरमिनेंट्स किस प्रकार से आएंगे, ये सारी चीजें जो जिस ब्रांच में हम सीखते हैं वो सिंटेक्स होता है। मेरे कहने का अर्थ है कि हमारी जो पूरी ग्रामर है वो इस सिंटेक्स के आसपास ही राउंड मारती रहती है। तो देखो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनको जब हमें सेंटेंस में यूज करना होता है तो ये चीज हमें कहां पर किस प्रकार के नाउन आई है, अगर वो नाउन आई है तो उसके साथ में वर्ब कैसी आएगी, आर्टिकल किसका यूज होगा, वो सारी चीजें कौन बताएगा, सिंटेक्स बताएगा। तो सिंटेक्स गाइड देखो एक मेजर यूनिट हो गई। देखो यहां पर हमें ये भी सिखाता है कि सही वर्ब का यूज कैसे करना चाहिए। ये सिंटेक्स है इसी के, देखो यहां पर नाउन होगी, ये नाउन का सही यूज सिखाएगा, प्रोनाउन सिखाएगा, प्रोनाउन के साथ में वर्ब सिखाएगा, यानी वर्ब किस प्रकार से यूज करनी चाहिए, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एक इंटरजेक्शन। ये सारी चीजें कहां पर किसका मीनिंग है सीक्वेंस में लिखना, ये सारी चीजें जो चीज सिखाती है हमें, उस यूनिट को हम सिंटेक्स से बोलते हैं। देखो गाइस, हमें सिंटेक्स में ये भी चीज पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आनी चाहिए, तो उसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम देते हैं। तो ये इन चीजों को आप समझिए कि सिंटेक्स वह चीज है जो हमें वर्ब कैसी हो, सब्जेक्ट कैसा हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो ये सारे जो रूल्स हमें जो चीज सिखाती हैं, जहां हम इस चीज को सीखते हैं कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, जो चीज जहां पर जिस यूनिट में जहां पर हम इस चीज को क्लियर कर पाते हैं वह सिंटेक्स होती है। अब देखो सिंटेक्स हम एक ही चीज को लेते हैं, सबसे पहले गाइस हम वर्ब को लेते हैं, यानी वर्ब का सही यूज कैसे करते हैं, इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, बहुत ही इजी है। आप इसी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना लीजिए माइंड पर और आराम से सुनिए मेरे साथ। देखो जैसे मैंने एक चीज बताया आपको, हमें सिंटेक्स क्या सिखाता है, वर्ब को अकॉर्डिंग करके सीखते हैं अपन, तो इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है
ये सिंटेंस का पार्ट इसको कॉन्कॉर्ड बोलते हैं हम। देखो मैं आपको इस यूनिट को लेकर बात कर रहे हैं, सिंटेक्स आप समझ के क्या होता है, जो सारी चीजें बताएगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताएगा, किस प्रकार से लिखना है वो सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट को वर्ब से रिलेट करके देखते हैं, वो बेसिकली होता है, जैसे मैंने यहां पर लिखा सी, तो यहां अगर मैं आर लिख दूं तो चलेगा क्या? अब समझो, देखो मैंने अगर यहां पर आर लिख दिया तो सही हो जाएगा सी आर गोइंग टू कोटा, ये गलत हो जाएगा। देखो ये चीज गलत होगी, ये क्यों है, रॉन्ग क्यों है, इसका कारण है कि हमारे पास में सब्जेक्ट था सी, ये सिंगुलर था। आई मीन मेरे कहने का कहते हैं कि हमारी ग्रामर में किस बात को बताती है, कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब क्या हो, वर्ब भी सिंगुलर हो। अब देखो गाइड में यहां पर एक चीज समझनी है, ये वर्ब सिंगुलर कैसे बननी है बताऊ मैं आपको। यहां पर पहला कंसेप्ट क्या हुआ, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। दूसरा कंसेप्ट क्या हुआ, यदि मैं सेंटेंस लिख रहा हूं दे आर गोइंग टू कोटा, यहां पर हमने एक नया सेंटेंस लिखा, तो वो दे आर गोइंग टू कोटा, यहां पर क्या आया, दे कौन सी फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, वर्ब आई कौन सी फॉर्म में है, प्लूरल है, तो ये दोनों यानी हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में सॉरी, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ये सारी चीजें जिस यूनिट में पढ़ते हैं उसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, ये सिंटेक्स का एक पार्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, अब आप सीजे में देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, ये सारी बातें आपने देखी, और ये चीज इसमें पढ़ते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप इसे नोट कर लीजिए, अब मैं आपको वन बाय वन स्टेप से चलते हैं, एक एक रूल क्लियर कर रहा हूं आपके सामने। वैसे रूल न कर इसको कंसेप्ट बोलते ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको जब समझ में आएगी पूरी बात तो गलती होने की संभावना है नहीं। देखो बेसिकली मैंने आपको एक वर्ब लिखी है, वर्ब जो हमारी बेस फॉर्म में है, वर्ब ये वर्ब भी, अब देखो आप इस प्रकार का देखो कंफ्यूज हो इस प्रकार से कि इसको हम वर्ब माने या नाउन माने, कंफ्यूजन हमारा सारा का सारा इन दो चीजों में ही है, हमें वर्ब माने या किसी शब्द को या नाउन माने। जैसे मैंने यहां पर लिखा प्रेजेंट लिखा, ये वर्ब है या नाउन है, हमें कंफ्यूज कर देगा ये, तो आपको ये काम करना है। देखो मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा बुक, ये भी नाउन होगा या वर्ब होगा, तो इसको हम माने क्या। मैंने यहां पर वॉटर लिखा, ये नाउन है या वर्ब है, इन चीजों को डिफाइन करने के लिए गाइड हम एक चीज याद रखेंगे, उस जो भी वर्ड है जहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हो उसका हिंदी में मीनिंग कर लेना, हिंदी में अर्थ कर लेना, इसमें हिंदी में उसका कुछ शब्द का अर्थ निकालेंगे, किस शब्द का, जिस शब्द में हम कंफ्यूज हो रहे हैं। यहां पर हमने क्या किया, वर्ब था, वर्ब का क्या किया, इसका एक काम करना है, मान लीजिए इसका मीनिंग हमारे उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग काम करना निकल रहा है। मैं वर्ब को लेकर बात कर रहा हूं, अगर इसी वर्ब का हिंदी में अर्थ रचना निकल रहा है, या जिसको बोलते हैं साहित्यिक रचनाएं, साहित्यिक लिटरेरी वर्क्स, मेरी हिंदी कमजोर है शायद ये भी गलत हो गया मेरे हिसाब से, साहित्यिक रचनाएं, तो देखो रचनाएं होती है, इसने नॉवल लिखा, पोएम्स लिखी, ड्रामा लिखा, तो उन शब्दों क्या बोलते हैं, वर्ब्स बोलते हैं, तब क्या होता है, ये प्लूरल फॉर्म में होता है। तो देखो यहां देखते हैं हिंदी में क्या आता है इसका, लास्ट में साउंड देखो ए आया या फिर ना आया, तो जहां जहां पर भी ना आएगा यानी ए ना, हिंदी का ना निकल जाए अर्थ करने पर तो वो तो होगी वर्ब, और नहीं निकले यानी कोई दूसरा निकले यानी अदर, यदि अदर हो अन्य हो तो क्या होगा, वो नाउन होगी। देखो याद देखते हैं प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्ब भी होती है नाम भी होती है, प्रेजेंट का अर्थ है उपस्थित होना है तो क्या होगा, उपस्थित होने पर तो क्या होगी, ओ ने ना अगेन, तो क्या होगा उपस्थित होना वर्ब। और यदि हम ऐसा माने उपस्थित आज प्रेजेंट बहुत कम है यानी उपस्थिति कम है तो फिर क्या होगा, हिंदी का ना अर्थ नहीं आया ना वर्ड साउंड नहीं आई तो फिर नाउन होगा। याद देखते हैं बुक, बुक का अर्थ क्या होता है,
दो अर्थ होते हैं बुक का पुस्तक, तुक्का आया तो नाउन हो गई, लेकिन इसको वर्ब भी होती है, बुक करना, आरक्षित करना, रिजर्व करना। तो यदि वहां पर बुक वर्ब है तो क्या अर्थ निकलेगा, आरक्षित करना, तो वर्ब हो गई। वॉटर, वॉटर का अर्थ करते हैं पानी, तो नाउन है, लेकिन आप इसका जो मीनिंग है वो नहीं निकल रहा है, सिंचाई करना, पौधों को पानी पिलाना, सिंचाई करना ना, पौधों को पानी पिलाना, अंडरस्टूड। तो देखो इस तरह से आपको याद रखिए, ये बात तो क्लियर हो गया आपको कि किसी वर्ड को हम नाउन है या वर्ब है, इस चीज को डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। अब ये सारी चीज समझ में आएगी आपको, अगर मान लीजिए ये हमारे पास में वर्ब है, इसको हम वर्ब मान रहे हैं, तो कौन सी फॉर्म हुई, विवन हुई, विवन हुई, कौन सी फॉर्म हुई, विवन। जहां पर भी जो विवन होती है या बेस फॉर्म होती है वो हमेशा यानी ऑलवेज हमेशा हमेशा कौन से नंबर में होती है, प्लूरल होती है, कौन सी फॉर्म, विवन, अंडरस्टूड। विवन क्या होती है, बेस फॉर्म क्या होती है वर्ब की, बेस फॉर्म होती है हमेशा सिंगुलर सॉरी प्लूरल में होती है वर्ब की, वापस बोल रहा हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, जबकि नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। इस चीज को आप समझ गए, तो देखो हमें क्या समझना है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है, और इसी को तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। तो सिंटेक्स वाले पार्ट में हम वर्ब का प्रयोग यूज करना सीख रहे हैं, अब इस चीज को समझ गए हमें, जबकि नाउन में उल्टा होता है। नाउन में क्या होता है, जो नाउन की बेस फॉर्म होती है यानी जो रूट वर्ड होता है, जैसे बुक, यहां पर इसका मीनिंग अगर पुस्तक निकलता तो ये सिंगुलर में होती, इसको हम क्या करते हैं प्लूरल बनाते, तो एस या ईएस या आईएस जोड़कर क्या करते हैं प्लूरल बनाते, तो वहां पर क्या बनती है प्लूरल। अब यह समझिए देखो, अगर हमने बुक के एस या ईएस या आईएस जोड़ा तो ये वर्ब है अगर, तो ये प्लूरल फॉर्म में होगी, लेकिन आपने इसमें यस जोड़ दिया, ईएस जोड़ दिया या कुछ आईएस जोड़ दिया उसके अकॉर्डिंग, तो ये सिंगुलर बन जाएगी। अंडरस्टूड। अब वन बाय वन सारे रूल्स इसके क्लियर करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे थे और आपके नोट्स के लिए मैंने कुछ चीजें लिखी है, आप मेरे नोटबुक में नोट कीजिए। आप मेरे साथ जब भी लाइव क्लास में बैठे तो नोटबुक आपके साथ में होनी चाहिए, आपका पेन आपके हाथ में होना चाहिए। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और प्रसंग के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। कोई सा भी सेंटेंस हो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार जो वर्ब का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। गाइड में आपको ये बता चुका हूं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अंडरस्टूड। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। यानी आपको जो भी सब्जेक्ट प्लूरल है उनके साथ में वर्ब कौन सी बननी है, प्लूरल बननी है। आपके पास में कंफ्यूजन है गाइस, इसे भी आप क्लियर करें। कंफ्यूजन क्या है, देखो आप कंफ्यूजन क्या है, देखिए कंफ्यूजन को क्लियर करें। नाउन में एस या ईएस या आईएस जोड़ने से नाउन है, कोई सी नाउन है, मैंने यहां पर नाउन लिखी, यहां पर पेन लिखा था, अब आपने इसमें देखो एस प्लस कर दिया, तो नाउन में एस हो या ईएस हो या आईएस हो, इन सबको प्लस करने से जो न्यू वर्ड बनता है वह प्लूरल नाउन होती है। अंडरस्टूड। वर्ब में एस या ईएस या आईएस जोड़ने से जो नया वर्ड बनता है वह सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे यहां देखिए आप, यहां पर हमने लिखी वर्ब राइट, और राइट में आपने ईएस जोड़ दिया और राइट्स बन गया, तो राइट्स का जो नंबर है वो कौन सा होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि राइट वर्ब है। वर्ब कैसे है, हिंदी में अर्थ निकालेंगे, राइट का हिंदी में अर्थ क्या होता है, लिखना, सबके लास्ट में कौन सी साउंड आएगी, ना, जहां पर भी ना साउंड आएगी वहां पर क्या होगा, उस वर्ड को हम वर्ब मानेंगे। अंडरस्टूड। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वन बाय वन
कंसेप्ट को क्लियर करते हुए इसे सीखते हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ रहे थे हम। फर्स्ट रूल की तरफ बात करते हैं। रूल नंबर वन हमारा क्या बात करता है, मैं क्या बताता है, देखो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लुरल वर्ब लिखी है तो वह रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट सेंटेंस होगा और हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम इस वाले सेंटेंस की तरफ देखते हैं, देखो मोहन वॉज ऑलवेज लेट, मोहन वॉज ऑलवेज लेट। अब देखो यहां पर जो लिखा हुआ है, पहले वर्ब को देखते हैं और इसका सब्जेक्ट देखते हैं। दोनों को देखा तो आपको ये बात पता लगी कि मोहन अकेला आदमी है और वॉज भी क्या है, सिंगुलर है, तो ये हमारा सेंटेंस राइट हुआ। ये हमारा सेंटेंस राइट हुआ क्योंकि मोहन सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। यहां देखिए देखो मोहन और फिर वर, देखो मोहन सिंगुलर है जबकि वर प्लूरल है, तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। ओके देखो आई आई के साथ में एक चीज क्लियर कर दो, आप बहुत सारा कंफ्यूजन लेकर चलते हो। आई क्या होगा, आई हमारा जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, आई प्रोनाउन है और आई हमेशा सिंगुलर ही होता है, आई हमेशा सिंगुलर होता है लेकिन ये अपने साथ में वर्ब प्लूरल लेता है। ओके केवल फास्ट टेंस में ये आई के साथ में हुआ जाएगा, लेकिन जहां पर इमेजिनरी कंडीशन होगी वहां पर आई के साथ में वर आएगा, वो एक्सेप्शन मान लिया आप, लेकिन ये क्या करता है, ये वर्ब प्लूरल लेता है। आई सिंगुलर है, अंडरस्टूड, आई सिंगुलर है, इसका प्लूरल भी होता है मैं और हम। ओके देखो अब यहां देखते हैं, पहले सेंटेंस देखते थर्ड को, आई आई के साथ में देखो एम आता है, ऐसा किसने बताया हमारे लिए, कहां पर टाइम मिला, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, पुरुष के अनुसार। देखो मैंने अपने डेफिनेशन क्या देखी थी, सिंटेक्स क्या काम करता है और सिंटेक्स में सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या काम करता है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब आती है उसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। तो यहां पर आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है उसके साथ में एम का यूज करते हैं, ये करेक्ट है। आई के साथ देखो आप, आई कौन सा नंबर है, सिंगुलर है, लेकिन मैंने आपको बताया आई के साथ में आपको याद रखना होगा इसके साथ में वर्ब प्लूरल होगी, तो ये प्लूरल है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ। हम अगले सेंटेंस को देखते हैं, आई राइट्स अ लेटर। अब देखो आई सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि आई के साथ में वर्ब प्लूरल होती है और अन्य सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हुआ। देखो यू आर, अब देखो एक और चीज आपको क्लियर कर दो, हम यू को सिंगुलर मानते हैं या प्लूरल मानते हैं, हमारे मान्य से कुछ नहीं होता गाइस, ये दोनों होता है, ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। आप इस सेंटेंस को देखिए, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, तुम विद्यार्थी हो, तो ये सिंगुलर है नाउन, तो ये कितने से लोगों से बात कर रहा है, जैसे मैंने कहा यू आर अ स्टूडेंट, आप विद्यार्थी हो तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, सिंगल पर्सन से बात कर रहा हूं, तो ये क्या हुआ फिर, ये सिंगुलर हुआ। पहले मैं दो गाइस, पहले मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, पहले मैं देखना चाहता हूं कि यू सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब कौन सी है यू, तो मैं बता रहा हूं आपको, तो यू सिंगुलर भी होता है इस वाले सेंटेंस में, यू सिंगुलर है, जबकि इस वाले सेंटेंस में यू आर स्टूडेंट्स, तुम विद्यार्थी हो, यहां पर बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूं मैं, इसका सेंस निकाल कर देखो आप,
बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूं, जब एक पर्टिकुलर आदमी से या सामने एक से बात करूंगा और मैं यू प्रोनाउन का यूज करूंगा तो वहां पर यू सिंगुलर होगा, बट मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूं तो वहां पर यू प्लुरल होगा, ये बताएगा मैं ये चीज। अब ये तो वैसा बात, यू सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है, बट इसके साथ में वर्ब कौन सी आनी है, इसके साथ में वर्ब हमेशा प्लुरल ही आनी है। अंडरस्टूड? वर्ब हमेशा कौन सी आनी है, प्लुरल ही आनी है, किसके साथ में, यू के साथ में। तो ये भी ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हुआ, क्योंकि आप एक विद्यार्थी से बात कर रहे हो, बहुत सारे विद्यार्थियों से बात करते हो, तब आपका ये सेंटेंस भी करेक्ट हुआ, दोनों सेंटेंस राइट है। एक बार फिर देखिए, आप कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स कीजिए, डाउट्स के लिए कमेंट्स करिए। ओके सर, हम सेंटेंस नंबर एक को देखते हैं आगे वाले को। सी नीड्स अ बुक, देखो सी कौन सा नंबर है, सिंगुलर है। नीड्स कौन सा नंबर है, नीड का आवश्यकता होना, आवश्यकता होना वर्ब हो गई, तो ये कौन सा नंबर हुआ, सिंगुलर हुआ, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट। सी नीड अ बुक, सी कौन सा नंबर है, सिंगुलर, नीड कौन सा नंबर है, प्लूरल, ये सेंटेंस भी गलत, ये भी रॉन्ग। क्यों, देखो समझो, सी सिंगुलर है, नीड प्लूरल है, नीड की बेस फॉर्म की बात करें अगर बी वर्ब बी वर्ब की तो वो प्लूरल होती है। इसको देखते हैं, दे प्ले फुटबॉल, दे कौन सा नंबर है, बोलिए दे, ये भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है, दे कौन सा नंबर है, प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, दोनों का एग्रीमेंट बराबर, तो यह क्या हुआ, ये भी राइट हुआ। दे प्लेज, दे प्लूरल है, जबकि प्लेज देखो इसमें एस या ये छोड़ते हैं वर्ब में तो सिंगुलर बन जाती है, दोनों का कॉम्बिनेशन गलत, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट। अंडरस्टूड? देखो आपको मैंने एक बात बताई कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अंडरस्टूड? देखो आप, अब हम नई चीज सीखते हैं, अब ये नोट कीजिए, रूल नंबर टू की बात करते हैं, और टू में देखो क्या है, सपोजिशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी वर्ब प्लूरल होती है। अब गाइस देखो, सपोजिशनल सेंटेंस जहां पर भी आएगा, ऐसे सेंटेंस में क्या होती है, देखो इमेजिनरी और इम्पॉसिबल कंडीशन होती है, उन सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को प्लूरल ही बनना है, चाहे वह सिंगुलर हो तब भी ठीक। देखो आप, सपोजिशनल सेंटेंस क्या होते हैं, सपोजनल सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें कोरी कल्पना या असंभव शर्त होती है, इम्पॉसिबल कंडीशनल क्लोज होती है, उन सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी वर्ब प्लूरल बननी पड़ती है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तो समझ में आ गया आपकी, सपोजनल सेंटेंस क्या होता है, अब ऐसे वाक्य को सेंटेंस को हम किस तरह से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि ये सपोजनल सेंटेंस होगा। ऐसे सेंटेंस में इफ एज इफ एज दो इफ ओनली सपोज आई विश ही विशिज सी विशिज दे विश वी विश इस प्रकार के क्लोज होंगे, ठीक है। देखो यहां देखते सेंटेंस हम, आई विश, यहां पर आई विश आया, तो आपको इस क्लोज को देखते हुए, अंडरस्टूड, जो बाद में मोहन आया सिंगुलर है, मैंने क्या बताया था, पहले नेम से उल्टा है थोड़ा, सिंगुलर के साथ में प्लूरल आने चाहिए, फर्स्ट रूल हमारा ये बताता है, बोले सिंगुलर के साथ में सिंगुलर आने चाहिए और प्लूरल के साथ में प्लूरल आने चाहिए, लेकिन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि हमारे सेंटेंस इस टाइप का है, इस टाइप का सेंटेंस है, तो ये वॉज गलत होगा, यहां पर वर्ब राइट होगा, आई विश मोहन वर माई बॉस, वॉज माई बॉस नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो आप इसे ध्यान रखिए। देखो इफ ही
वॉच और वर, इफ ही वॉच और वर, तो इन दोनों में से हमें एक को सिलेक्ट करना है, एक को चूज करना है, तो ये हमारा गलत होगा। हमारी ग्रामर बोल रही है कि ही के साथ में वो जाना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस की टाइप ये वाली है। सपोजनल सेंटेंस है, इफ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, वो मुझे सस्पेंड कर देगा। गाइज रूल नंबर वन और टू में आप कंपेरिजन करके देखिए, वहां पर हमने क्या सीखा था और यहां पर हम किस चीज को के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अंडरस्टूड? नंबर वन में हमने सीखा था कि सिंगुलर के साथ में सिंगुलर आएगी, प्लूरल के साथ में प्लूरल आएगी, लेकिन नंबर टू हमें ये बता रहा है कि यदि सेंटेंस सपोजनल सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब आती है। और सपोजनल सेंटेंस क्या होता है ये समझ लिया हमने, ऐसे वाक्य जिनमें कोई कल्पना या असंभव शर्त इन पॉसिबल कंडीशनल क्लोज होती है। ऐसे सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, इनमें इस प्रकार से क्लोज बनती है, इफ एज इफ एज दो इफ ओनली सपोज आई विश ही विशेस एटसेट्रा, यानी जिसके साथ में सब्जेक्ट चेंज होने पर चेंज हो जाएगी वर्ब, ऐसी क्लोज होती है तो वहां पर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब बननी पड़ती है। अंडरस्टूड? आई होप आपके रूल नंबर टू क्लियर हुआ होगा। हम रूल नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इनको नोट कीजिए। रूल नंबर थ्री को देखते हैं। रूल नंबर थ्री क्या बताता है, देखो यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल आएगी। एंड से दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जोड़ दो आप, सब्जेक्ट कैसे सिंगुलर, तो क्या होगा वर्ब भी कैसे आएगी हमारी प्लूरल आएगी। देखो आप एक बार रखना, सिंगुलर हो या प्लूरल, एंड से जोड़ने पर सिंगुलर हो या प्लूरल, इस बात को भी नोट कर लिया आप, यहां पर प्लूरल भी लिख लीजिए, वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, यानी एंड से जोड़ने पर, एंड से जोड़ने पर वर्ब प्लूरल होगी। देखो हम इस सेंटेंस को देखते हैं, रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जाम। रवि एंड कवि, रवि सिंगुलर है और कवि भी सिंगुलर है, लेकिन जुड़ा किससे है, एंड से, तो क्या होगा वर्ब कौन सी आएगी प्लूरल। तो देखिए ये सही है क्या, हैव प्लूरल होती है तो ये सही है। अब अगले सेंटेंस को देखिए, रवि एंड कवि, रवि एंड कवि दोनों सिंगुलर हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब कौन सी चाहिए प्लूरल, जबकि ये कौन सी है ये सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो गया और फर्स्ट वाला करेक्ट। देखो आगे, अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर, तो देखो अ बॉय सिंगुलर है, गर्ल अ गर्ल सिंगुलर है, दोनों को आपने एंड से जोड़ा, तो वर्ब कौन सी होनी चाहिए, यहां की जो वर्ब है वो प्लूरल होनी चाहिए, जबकि यहां पर वर्ब थी वो भी प्लूरल है, तो ये भी क्या हुआ राइट हुआ। देखो अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर, देखो लव मैंने आपको बताया है कि किसी भी वर्ब में एस ई एस और आई एस जोड़ने से सिंगुलर बनती है, तो ये वर्ब सिंगुलर हुई, आई मीन मैंने कहा था कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट हुआ। द टीचर एंड द स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है, एंड से जुड़े हुए हैं, अगर आप इसको यहां से प्लूरल बना देते हो, स्टूडेंट्स कर देते हो, तब भी क्या हुआ देखो ये सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर को हमने किससे जोड़ा प्लूरल से जोड़ा है, तो एंड से जोड़ने पर क्या हुआ वर्ब हमारी प्लूरल होगी, यहां पर इज गलत हो जाएगा। आई होप आप इस बात को समझे होंगे, जब भी एंड से कोई सिंगुलर दो सब्जेक्ट, कोई प्लूरल सब्जेक्ट या सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो वर्ब हमेशा के लिए प्लूरल ही होती है। आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और जहां पर भी कोई डाउट्स हो मुझे बताइए। समझ में आ रहा है, वेरी गुड, कमेंट्स आ रहा है समझ में आ रहा है सर, वेरी नाइस, वेल डन बॉयज, ओके। आप इसे नोट कीजिए, मैं जब भी मेरी क्लास में आओ आपके हाथ में पेन और नोटबुक होने चाहिए, तुरंत नोट कर सकते हो आप।
आपके कोई डाउट्स रहे तो हमें कमेंट्स करके बताएंगे, सर इसको रिपीट कीजिए, रिपीट कर दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास में क्वेरीज आई है कि सर क्लोज टॉपिक को फिर से भेजिए, क्लोज को फिर से पढ़ा देंगे, आप इस चीज की इसका टेंशन छोड़िए, ये काम हमारा है। जिस टॉपिक के लिए आप कहोगे कि आप सर रिपीट कीजिए, रिपीट कर देंगे, लेकिन आप हमारे साथ में लाइव बने रहिए। और ये जो चैनल है हमारा फ्री ऑफ चार्ज है, इस चीज का फायदा ले, इसे नोट कीजिए, समझ में आएगा पूरी तरह से आपके। गाइस जब रूल नंबर 4 की बात करते हैं, देखो 4 में क्या है, पेयर वर्ड्स होते हैं गाइस, पेयर वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सेंस एक ही होता है और ये एंड से जुड़े रहते हैं, तो हमें क्या है इनको एक ही मानना है और एक ही मानकर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब देखो समझते हैं हम, पेयर वर्ड्स युग्म शब्दों के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, समझिए पेयर वर्ड्स कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जो एंड से जुड़ते हैं बट उनका सेंस एक ही वस्तु या व्यक्ति से होता है। जैसे कौन कौन से शब्द हैं वापस समझिए, पेयर वर्ड्स के साथ में वर्ब सिंगुलर आएगी, और पेयर वर्ड्स कौन से होते हैं गाइस, ऐसे वर्ड्स जो एंड से जुड़ते हैं लेकिन उनका सेंस एक ही होता है। देखो आप ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, तो देखो ब्रेड एंड बटर मिलकर एक ही चीज बनती है, यानी एक ही वस्तु से थिंग से इनका सेंस निकलता है। राइस एंड करी, राइस एंड करी तो ये भी एक ही यूनिट मानते हैं, हम इसको एक ही यूनिट मानते हैं जी। आप ऐसा समझिए जो हमारी डिशीज है जिनमें हमें उनको खाना है और उनके साथ में एड जुड़ा है तो उनको हम एक ही मानेंगे, जैसे लाडू बाटी, मेरे कहने का अर्थ है कि इनको हम एक ही मानेंगे, कद बाबला तो ये सारे एक होते हैं, तो इनको एक मानकर एक ही यूनिट मानेंगे और वर्ब भी सिमिलर आएगी। राइस एंड करी, देखो हम्बर एंड सिकल, हम्बर एंड सिकल ये हमारी पहचान होती है एक फार्मर की, तो इन दोनों को एक मानेंगे। स्लो एंड स्टेडी ये भी एक ही यूनिट मानेंगे, इसके साथ में वर्ब सिंगुलर आएगी। ट्रूथ एंड ऑनेस्ट, सत्य और ईमानदारी, इज अ ग्रेट वेपन, ये बड़ा हथियार होता है सत्य और ईमानदारी, इस तरह से क्योंकि महात्मा गांधी ने सत्य और ईमानदारी से ही हमारे देश को आजाद करवाया था। तो देखो आप इन दोनों को हम एक ही मानेंगे। हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा और गाड़ी, आई मीन मेरे कहने का अर्थ है घोड़े और गाड़ी को अलग अलग कर दीजिए, दोनों का कोई मीन नहीं है, तो हॉर्स एंड कैरिज। क्राउन एंड ग्लोरी, ताज और शान, ये सारे ही एक ही यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, तो इनको इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएंगे, एंड से जुड़ने पर भी इनको हम सिंगुलर मानेंगे। राइज एंड फॉल, उन्नति और अवनति, एज एंड एक्सपीरियंस, ये भी 12th क्लास का जो पेपर हुआ था इंग्लिश लिटरेचर का, उसमें क्वेश्चन आया है 2019 वाले पेपर में, और बच्चों ने इसके साथ में उन्होंने ये देखना था कि इसके साथ में आर आया है कि वो गलत है या सही है, तो यहाँ पर इसके साथ में आर आएगा गलत ही जाएगा क्योंकि तो दोनों को एक मानते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सब एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज, तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं इनको गाइस पेयर वर्ड्स बोलते हैं। पेयर वर्ड्स क्यों बोलते हैं आप समझ गए, एंड से जुड़ते हैं, दोनों शब्दों का मीन एक जैसा होता है, यानी एक ही वस्तु से व्यक्ति से इनका सेंस निकलता है, तो वहां पर हम इनको यूज करते हैं, तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी न कि प्लुरल वर्ब आएगी, इसी को समझ गए आप इनको नोट कीजिए, कुछ सेंटेंस लिखकर इस चीज को समझते हैं। वैसे हमने इस बात को सीखा है कि एंड से दो शब्द जुड़ते हैं तो वर्ब
प्लुरल होती है, लेकिन पेयर वर्ड्स के साथ में क्या होगा, सिंगुलर आएगी। इनको हम एक यूनिट मानकर, इनके साथ एक यूनिट मानते हैं। देखो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो देखो ब्रेड एंड बटर को एक माने, इसलिए यहां पर ये सेंटेंस राइट होगा, ये करेक्ट है। और ब्रेड एंड बटर को के साथ में आर का यूज करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को हम एक ही यूनिट मानते हैं, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ये सेंटेंस हमारा रोंग होगा। इनफैक्ट होगा राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश, देखो राइस एंड करी युग शब्द है, पेयर वर्ड्स है और इनके साथ में वर्ब सिंगुलर आती है, तो यहां पर ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। और गाइस देखिए राइस एंड करी आर अ पॉपुलर डिश, ये सेंटेंस हमारा रोंग होगा, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि पेयर वर्ड्स का किस तरह से वर्ब पर इफेक्ट पड़ता है, और आपने ये भी सीखा है कि एंड से दो नाउन जुड़ते हैं तब वर्ब कौन सी आती है। अंडरस्टूड? अब देखो हम एक चीज समझते हैं, यदि एंड से दो नाउन जुड़े हुए हो और उन दोनों में से, दोनों नाउन में से एक के आगे, मेरे पास सुनना, एंड से दो नाउन जुड़ी हुई हो और दोनों में से एक के आगे ही क्या हो, डिटरमिनर्स का यूज हो, आर्टिकल का यूज हो, तो उनको सिंगुलर मानेंगे, और यदि दोनों के आगे ही डिटरमिनर्स का यूज है तो उनको हम प्लूरल मानेंगे। अब इस थीम पर हम बात करते हैं, आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट कीजिए। दुकाज हम पेयर वर्ड्स की बात कर रहे थे, और पेयर वर्ड्स में हमने सिखाया है कि उन दोनों का जब सेंस एक ही होता हो या वो मिलकर एक चीज बनती हो। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, हॉर्स एंड कैरिज, हॉर्स अलग है और कैरिज अलग है, इन दोनों को एंड से जोड़ा, लेकिन जोड़ने के बाद जो चीज एक ही बनी, एक ही यूनिट का सेंस देती हो तो सिंगुलर होगी, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर उसको हम प्लुरल मानेंगे। फिर मैं आपको समझाता हूं, देखो राइस एंड करी, राइस और करी दोनों अलग अलग है, दोनों को एंड से जोड़ा और वो जुड़कर एक ही चीज बनी, बताइए कैसे बनी, आपके पेट में, आपने उसको पेट में गई स्टोमक में और वहां जाके एक बन गई, तो ऐसा अगर होता हो तो सिंगुलर होगा। मैं नेक्स्ट वर्ड से समझाता हूं, एज एंड एक्सपीरियंस, जिस आदमी के साथ साथ में वो एज बढ़ती है उसके एक्सपीरियंस ही बढ़ जाते हैं और हम उसको अच्छा आदमी मानते हैं कि ये बुजुर्ग आदमी है और इनके पास में नॉलेज है, मेरे पास समझ के। लेकिन तुम यहां पर सेंटेंस से गई, यहां पर टाइम एंड टाइड के दोनों मिलकर एक बन रहा है क्या, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है, तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों को हम सिंगुलर नहीं मानेंगे, ये दोनों प्लुरल होंगे, तो यहां क्या करेंगे लोगों, ये हमारे जो वर्ब है प्लुरल, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, इन दोनों को एक नहीं मानेंगे। टाइम एंड टाइड्स वही बात, वेट्स गलत होगा यहां पर, यहां पर ये जो वर्ब है ये सिंगुलर में आएंगे, ये गलत है, मेरी बात समझ के फिर से रिपीट करता हूं। स्लो एंड स्टेडी दोनों ही अलग अलग है लेकिन जुड़कर एक हो रही है और उससे क्या आदमी विनर बनता है, तो ऐसी अगर चीज हो तो आपको क्या करना है, सिंगुलर मानना है, अन्यथा उसको प्लुरल मानना है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखो फायर एंड वॉटर, फायर एंड वॉटर, पानी और आग, डू नॉट एग्री या डज नॉट एग्री, गाइस समझना, देखो फायर और वॉटर दोनों अलग अलग हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों ने मिलकर कोई एक पर्सनल या सिंगल थीम की बात नहीं की है, तो यहां पर भी क्या हुआ, इनको प्लुरल मानेंगे, और यहां डोंट वाला, जहां पर डोंट वर्ब आई है, एल वी वर्ब आई है, वो वाला सेंटेंस सही होगा, यानी इसके साथ में डज नॉट गलत होगा, ये इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। आगे देखिए आप, गोल्ड एंड सिल्वर, देखो गोल्ड एंड सिल्वर आर इज प्रीसियस मेटल्स, देखो प्रीसियस मेटल्स है गोल्ड और सिल्वर, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों से मिलकर कोई ज्वेलरी नहीं बनी है, या दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है, जहां पर अलग अलग एग्जिस्टेंस होगा वहां पर हमें क्या करना है, इनको प्लुरल मानना है, यहां पर यह गलत होगा, और इस तरह आप इस चीज को याद रखिए। माय फादर एंड मदर, गाइस मैं यहां पर एक चीज यहां पर बात कर रहा था आपसे,
इसको हम आगे सीखते देखो, माई फादर एंड मदर, यहाँ पर एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, दोनों में से एक के आगे ये देखो यहाँ पर ये फादर के आगे डिटरमिनर्स हैं, मैं का यूज हुआ है। तो मैंने आपसे आपको बताया था मैंने कि दोनों को एक मानेंगे, बट ये हमारे फैमिली रिलेशन के बारे में, फैमिली रिलेशन में दोनों नाउन वापस समझिए, अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो इस वाले सेंटेंस को पढ़ो, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इच और आर, यहां देखिए ये दो नाउन है, यहां पर प्रिंसिपल है या सेक्रेटरी है, दोनों में से इस प्रिंसिपल के आगे द आया है, आर्टिकल का यूज हुआ है, तो ये दोनों ही व्यक्ति एक ही है, समझ गए, क्योंकि इनका फैमिली से कोई मतलब नहीं है, फैमिली रिलेशन वाले वर्ड्स नहीं है। तो यहां के अगर मान लो भी यहां पर द लिख देता हूं, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो द ये आर्टिकल का यूज हो गया, आर्टिकल डिटरमिनर्स के पार्ट होते हैं, आर्टिकल डिटरमिनर्स के पार्ट होते हैं, तो दोनों के आगे डिटरमिनर्स का यूज हुआ है, दोनों के आगे डिटरमिनर्स का यूज होने पर ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, तो अब तो बन गए प्लुरल, लेकिन इस कंडीशन में दोनों ही एक ही व्यक्ति है। आई मीन मेरे घर का है अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, ओके, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, एक गाय है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, बट अगर मैं ये कहूं अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, तो दो गायें एक तो ब्लैक है और एक व्हाइट है, तो एंड से दो नाउन जुड़ती हो, दोनों के आगे डिटरमिनर्स हैं तो प्लुरल होगा, और दोनों में से एक के आगे डिटरमिनर्स हैं तो सिंगुलर होगा, बट ये चीज फैमिली रिलेशन पर लागू नहीं होती है, फैमिली रिलेशन वाले जो वर्ड्स होते हैं उन पर लागू नहीं होती है, क्योंकि माई फादर एंड मदर दोनों अलग अलग है, तो यहां पर यह गलत होगा और ये राइट होगा। देखो यूर आंट एंड सॉरी यूर अंकल एंड आंट, अंकल एंड आंट दोनों में से एक के आगे डिटरमिनर्स हैं, बट फैमिली रिलेशन वाले वर्ड्स हैं, इसलिए यहां पर कौन सा सही होगा, दोनों को क्या मानेंगे, अलग अलग, सॉरी यहां पर क्या वांट्स और एक वांट भी बनते वांट करेंगे हो ही वांट्स गलत होगा, यानी ये गलत है, इसके ऊपर वाली वांट आएगी यहां पर, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों में से एक के आगे डिटरमिनेंट्स का यूज हुआ है, तो यहां पर इज आएगा आर गलत होगा। अब हम इस वाले नियम को यानी रूल नंबर 5 की बात करते हैं और आपको नोट करवाता हूं, इसे ध्यान से समझिए, रूल नंबर 5 की बात करते हैं गाइस, और इस कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करते हैं कि किस प्रकार से एंड से जुड़ने पर में कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो और दो से पहले सॉरी दोनों से पहले ही यानी दोनों से पहले दो सब्जेक्ट, देखो दो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट किससे जुड़ रहा है, एंड से जुड़ रहा है, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो और दोनों से पहले या तो आर्टिकल या पसेसिव एडजेक्टिव हो, आर्टिकल ए आया पसेसिव एडजेक्टिव ये रहा, समझ गए, पसेसिव एडजेक्टिव दो या तो आर्टिकल आए दोनों के आगे या पसेसिव एडजेक्टिव आए, तब क्या होगा, देखो जुड़े हुए हो तो वर्ब प्लुरल आएगी और दोनों में से एक से पहले आर्टिकल या पसेसिव एडजेक्टिव जुड़े हुए हो, दोनों में से एक से पहले, देखो ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट यहां भी जुड़ा हुआ है यहां जुड़ा हुआ है, तो दोनों में से एक के आगे जुड़ा हुआ हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अंडरस्टूड। अब हम इस एक एक सेंटेंस को देखते हैं, देखो अ पोइट एंड अ फिलोसोफर, इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों के आगे आर्टिकल आया हुआ है तो क्या होगा, बोलिए क्या होगा, प्लुरल, क्योंकि इस कंडीशन में दोनों व्यक्ति ही अलग अलग हैं, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, अब देखो एंड से जुड़े हुए हैं दो नाउन है और दोनों के आगे क्या है, दोनों के आगे ही आर्टिकल का यूज हुआ है, तो दोनों अलग अलग है तो वर्ब प्लुरल होगी, वर्ब प्लुरल होगी, अंडरस्टूड, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कमेंट्स कीजिए सर समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ में आएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए आप। अब देखो थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी दोनों में से एक के आगे जुड़ा हुआ है तो वर्ब
सिंगुलर, प्लूरल गलत होगी। तो अ ब्लैक एंड व्हाइट, अ ब्लैक एंड व्हाइट केक, तो देखो यहां पर देखिए एंड से दो एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं, इनको एडजेक्टिव कहेंगे, वो नाउन भी कहेंगे। अब देखो अ ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में से एंड के आगे देखो दोनों जो एडजेक्टिव है दोनों में से केवल एक के आगे क्या जुड़ा हुआ है आर्टिकल, तो वर्ब कौन सी आएगी दोनों में से एक के आगे, तो वर्ब कौन सी आएगी सिंगुलर, क्योंकि दोनों एक ही है, एक ऐसी बिल्ली जो काली भी है और व्हाइट भी है। अब ब्लैक एंड व्हाइट, अब देखो दोनों के आगे, दोनों के आगे देखो आप आर्टिकल का यूज हुआ है, तो वर्ब कौन सी आएगी प्लूरल, यहां पर वॉच गलत होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। माई फादर एंड मदर, देखो यहां पर मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, सॉरी माई मदर एंड फादर, तो ये दोनों ऐसा नहीं बोलते हैं माई फादर एंड माई मदर, बड़ा अजीब हो जाएगा। तो माई मदर एंड फादर ये दोनों फैमिली रिलेटिव से संबंधित वर्ड्स हैं, तो इन दोनों में से केवल एक के आगे यदि डिटरमिनर्स या एडजेक्टिव आता है, पसेसिव एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव आया है, तब भी हम इन दोनों को अलग अलग ही मानेंगे। वापस मैं एक बात को रिपीट करता हूं, दो नाउन है दोनों के आगे आर्टिकल और पसेसिव एडजेक्टिव आया, वर्ब प्लूरल, दोनों में से एक के आगे आया वर्ब सिंगुलर, और दोनों में से एक के आगे आया बट फैमिली रिलेटिव से रिलेटेड वर्ड्स हो, तो क्या करेंगे वर्ब को प्लूरल बनाएंगे। अंडरस्टूड, अब समझ गया पूरी बात को, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, डाउट्स हो तो बताइए मुझे, डाउट्स क्लियर होना चाहिए आपके। देखो डाउट्स दो ही कंडीशन में क्लियर नहीं होते हैं, या तो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आया तब भी कौन सा डाउट रहा, क्योंकि समझ में तो आया ही नहीं, और आपके पूरा समझ में आ गया तब भी कोई डाउट नहीं क्योंकि पूरा आ गया, लेकिन डाउट्स होना जरूरी है, नहीं तो फिर आप स्टडी नहीं कर रहे हो, फिर मुझे डाउट्स हो जाएगा कि आप पढ़ नहीं रहे हो या मेरे साथ में मस्ती करने के लिए ही गायब हो जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से समझिए आप इसको, आपने सीखा एंड वन एंड से बनने वाली सारी कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की है, सारे किस प्रकार से आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए पूरी बात आपको क्लियर कर दी गई है। दो गाइस, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो एडजेक्टिव हो इनके साथ में नाउन सिंगुलर हो तो ठीक और नाउन प्लूरल हो तो ठीक, इनके साथ में आपको वर्ब को सिंगुलर ही बनना है, हम ऐसी गलती नहीं करें। अब देखो ये देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ईच, आइदर और नाइदर। गाइस एवरी प्रोनाउन नहीं होता है, इस बात को याद रखिए आप, एवरी ओनली ओनली डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता है। ये कई बार क्या है, एक बात को याद रखिए, अगर ये सेंटेंस में एक बार आए तब भी ठीक और दो बार आए तब भी ठीक, तब भी क्या करना है आपको, बोलिए क्या करना है, वर्ब सिंगुलर ही आनी है, वर्ब सिंगुलर ही लिखनी है। अंडरस्टूड, अब देखो ईच पेन एंड पेंसिल, अब यह समझते लोग हम, ये पहले ये भी देखो, ये भी बताऊं मैं आपको, एक प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। अब देखो आप पेन के माई नाउन है, तो पेन से पहले आया है, नाउन से पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव होगा, तो ये क्या है यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्या ये बोलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और पेन नाउन से पहले आया है, एंड से जुड़े हुए हैं पेन एंड पेंसिल, फिर भी आपको क्या है वर्ब कौन सी बननी है, ओनली ओनली सिंगुलर, तो ये सिंगुलर यानी हमेशा सिंगुलर। देखिए आप इसको देखते हैं, ईच पेन वापस समझ के डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, एंड से जुड़ रही दो नाउन, लेकिन फिर भी आपको देखो वर्ब कौन सी होनी चाहिए। अब देखो यहां समझना आप, यहां ईच पेन एंड ईच पेंसिल, तब भी क्या हुआ, मैंने कहा था आपको एक बार आया तब भी ठीक,
दो बार आएगा तभी ठीक, ये दो बार आई है तभी ठीक, यहां पर भी एडजेक्टिव है और यहां पर भी एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर भी आपको बात कौन सी पढ़नी है? सिंगुलर पढ़नी है, यानी यहां पर फिर भी सिंगुलर बनना होगा। जब वो एवरी बॉयज एंड गर्ल इज या आर में से एक लेबोरियस। देखो सुनो, यहां पर हमारे पास में बॉयज नाउन है, नाउन से पहले एवरी लिखा है तो एवरी एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ में क्या होगा, बोलिए क्या होगा? वर्ब सिंगुलर आएगी, तो यहां पर वर्ब सिंगुलर आएगी, ये हमारी वर्ब गलत हो जाएगी। ऐसा नहीं कि गर्ल्स को देखकर आप वर्ब को आर कर दो। तो वो ईच हैज, ईच हैज हैव अ पेन। गाइस पहले से समझिए, यहां पर ईच लिखा हुआ है ये क्या है? देखो वर्ब से पहले आया है, वर्ब से पहले आया तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट क्या बनता है? तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो ये क्या है? ये प्रोनाउन है, यहां पर एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि नाउन नहीं आई, नाउन से पहले नहीं आए, तो ये ईच प्रोनाउन है। और मैंने कहा था आपको इनके साथ में वर्ब सिंगुलर आती है, सिंगुलर, ये गलत। एवरी हैज हैव अ पेन, पहले में देखते हैं कि यहां पर जो एवरी आया है ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, ये यहां पर प्रोनाउन की तरह यूज कर दिया गया, तो ये सेंटेंस पूरा ही सेंटेंस रोंग है, ये पूरा सेंटेंस ही रोंग हो गया, क्योंकि हम एवरी का यूज प्रोनाउन की तरह यानी प्रोनाउन के रूप में नहीं कर सकते, तो ये इनको भरना तो पहले ये रूप ही गलत हो गया। समझ गए, एवरी केवल मात्र एडजेक्टिव ही बन सकता है। सर समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी नाइस, समझ में सब आएगा, इस बात की कोई टेंशन ना ले। देखो आइदर और नाइदर को पहले समझ लेगा, देखो आइदर और नाइदर ये एडजेक्टिव भी बनते हैं दोनों, और दोनों प्रोनाउन भी बनते हैं, समझ गए। अब देखो गाइस, एडजेक्टिव कब बनेंगे और प्रोनाउन कब बनेंगे ये बात मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले समझते हैं अपन कि इनका मीनिंग क्या होता है, सेंस क्या होता है। आइदर का अर्थ होता है देखो दो में से एक, नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से एक भी नहीं। अंडरस्टूड? वापस सुनता हूं, आइदर का अर्थ क्या होता है? दो में से एक, ये दो की बात करते हैं, दो से ज्यादा की बात करते नहीं दोनों, दो में से एक आइदर, दो में से एक भी नहीं नाइदर। ओके, मीन और नोर की बात नहीं कर रहा, आप कंजक्शन की होते हैं, कंजक्शन अलग मैटर है भाई। देखो आइदर, अब पहले देखते हैं कि सेंटेंस में जो आइदर आया हुआ है ये क्या चीज है भाई। देखो सुनो, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, यहां पर भी ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, आ गया है, इसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए, ये अलग फ्रेज बनाते हैं। सीधी भाषा में समझो आप, आइदर और के बीच में, आइदर और जैसे आइदर और कोई किसी नाउन के बीच में, आइदर और किसी नाउन के बीच में कोई प्रीपोजिशन आ गई यहां पर, तो ये प्रोनाउन होगा। वापस रिपीट करता हूं बात को, आइदर या नाइदर दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन आ गई, जैसे प्रीपोजिशन आ गई तो ये क्या होगा? ये प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन होगा। और इसके ठीक बाद में नाइदर बॉयज आइदर बॉय, समझ गए, ठीक बाद में नाउन हो तो फिर ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये दोनों सेंटेंस में क्या है? ये प्रोनाउन है। यहां पर ऑफ है, ऑफ दिस फोर पेज, ये ऑफ प्रीपोजिशन के बाद में आई हुई फ्रेज है, इन दोनों का संबंध बता रहे हैं, यानी इन चार पेज में से एक, सॉरी यहां फोर की जगह टू होगा, या टू की बात करता है, यहां पर गलती हो गई, इन दो पेज में से एक इज, क्या होगा? इज या आर गलत। देखो नाइदर ऑफ यू नो नोच, अब यहां देखिए वापस, ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो नाइदर के अनुसार वर्ब आएगी, नाइदर के अनुसार ये गलत होगी, सिंगुलर आएगी, नोच गलत होगी, यानी कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, उन दोनों में से तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। तो इस प्रकार से आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जाना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्या होते हैं, इनमें से कौन है जो एडजेक्टिव होता है केवल, वो भी देख लिया आपने, कहां पर इनका यूज होगा वो भी समझ लिया। आई होप आपके ये समझ में आया होगा गाइस,
मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लर्न कर रहे हैं इनको। ये हमारे ग्रामर का टॉपिक था जिसको हम लर्न कर रहे थे, सिंटेक्स जिसको नाम दिया था हमने। सिंटेक्स का एक पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या वर्ब का करेक्ट यूज कैसे होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्ब का करेक्ट यूज सीख रहे हैं। आप हमारे साथ में लाइव रहते हो, बहुत अच्छा लगता है हमें, और ये आपके प्यार और स्नेह का ही प्रतिफल है कि आज हमें हमारी टीम को YouTube की तरफ से कम्युनिटी टैग मिला है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये इसका सारा क्रेडिट आप सबको जाता है। आप सब हमारे साथ ऐसे लाइव बने रहिए और हमारी जो टेक्निकल टीम है उसको सपोर्ट कीजिए। आज हम इसके रोल नंबर 7 तक ही स्टडी कर पाएंगे, और रोल नंबर 7 के बारे में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपके पूरी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। देखो, यदि तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं और उनका जो गुड सेंस होता है, तुम 231 के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, और यदि बैड सेंस होता है तो 123 यानी 123 के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, और वर्ब हमेशा प्लुरल ही आती है। अब देखो, हम बैड सेंस और गुड सेंस की बात करते हैं पहले, तो उससे पहले हम समझते हैं कि ए का मतलब क्या हुआ। ए का मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, जैसे कि आई और वी। समझ गए क्या समझे आप? एक से क्या समझे आप? फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन के कौन से प्रोनाउन? आई और वी। टू से सेकंड पर्सन, टू से सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है हमारे पास में? यू। और तीन से थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में सारे ही प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही, सी, इट, जो बाकी बचे, सी, इट, दे। इस चीज को समझ गया? अब देखो, गुड सेंस में क्या होता है, 231 का रूल फॉलो होता है। अब गुड सेंस का मतलब हुआ, देखो गुड सेंस का अर्थ हुआ 231 का रूल फॉलो होता है करने का अर्थ हुआ, सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। अंडरस्टूड? यदि दो ही प्रोनाउन आए हैं और उनमें दो प्रोनाउन आए हैं, और दो में जिसे मान लीजिए आपकी ही और यू लिखना चाहते हो, तो ही और यू लिखना चाहते हो, आपके पास में यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, तो दो आगे आएगा, और ये कौन सा है? तीन, तो ये बन गया। समझ लो मेरी बात, यदि आपको आई और ही लिखना है, आई और ही लिखना है, तो हमारा रूल क्या बताता है? 231 से पहले दूसरे को लिखो, दूसरा नहीं तो तीसरे को लिखो, तीसरा नहीं तो लास्ट में लिखो। तो दूसरा था हमारे पास ये नहीं, तो ये दोनों हमारे पास, पहले ही आएगा और फिर आई आएगा। समझ गए? तो इस तरह से आप इनको याद रखिए, 231 क्या होते हैं और 123 क्या होते हैं। 123 में क्या हुआ, सेंस बेड होगा, तो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और लास्ट में थर्ड पर्सन। अब देखो गाइस, यहां देखते हैं, ये हमारे पास में यू आया और ही आया, ठीक है, तो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, तो दो, और ये कौन सा पर्सन है? तीन। तो 231 में से एक हमारे पास है ही नहीं, ये वाला है ही नहीं, जिसको हटाओ, गुड सेंस है। अब देखो, गुड सेंस हो या बैड सेंस हो, थोड़ा सा चेंज होगा। अब कैसे होगा? उसमें 1 2 3 आएगा, इसमें 2 3 1 आएगा। वापस समझते हैं, यहां पर हमारे पास में यू प्रोनाउन आया। अब यू कौन सा पर्सन है? मैंने बता दिया आपको, सेकंड पर्सन है, तो दो, और ही प्रोनाउन आया, तो ये थर्ड पर्सन, तो ही, तीन। अब यहां पर 1 मोर है, देखो 1 2 3, और यहां पर क्या है? 2 3 1, तो 1 तो आया नहीं, तो सही लिखे हुए, लिखे हुए तो सही है। अब देखो, गुड सेंस है, गुड सेंस इसका हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपराधी। इसमें और इसमें देखो आप, इसमें देखो आप, आई यू एंड ही आर इज गिल्टी, इसका हुआ अपराधी है, दोषी है, तो ये बैड सेंस हुआ ना। तो बैड सेंस में क्या होगा? बैड सेंस में 123, और वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब को देखो आप, वर्ब हमेशा प्लुरल ही आएगी। वापस समझते हैं इस बात को। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब भी हम तीनों पर्सन के प्रोनाउंस को एक साथ लिखते हैं, सभी प्रोनाउन को एक साथ लिखना होता है, तब क्या करते हैं हम, गुड सेंस में 2 3 1
सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और बेड सेंस में 1 2 3 सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। देखो वन का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और बी, टू का मतलब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, तीन का मतलब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही सी इट दे और भी जो भी है। तो इस चीज को समझ लिया, जब भी हम इनको लिखते हैं तो पहले हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि सेंस कौन सा है, बेड है या गुड है। तो फिर क्या होगा, देखो वर्ब हमेशा प्लुरल आएगी, तो यू कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन, ही कौन सा पर्सन है थर्ड पर्सन, तो पहले सेकंड तो आना था, सेंस यहां पर गुड मिल रहा है तो पहले सेकंड आना था और फिर थर्ड आ गया तो ये सही है, और यहां पर हमें हमारे पास में फर्स्ट पर्सन है ही नहीं तो बाद में था, तो यहां वर्ब कौन सी होगी, इज गलत और आर करेक्ट, समझ गए। तो यानी प्रोनाउन दो या दो से अधिक पर्सन के प्रोनाउन यानी जोड़ते हैं तो गुड सेंस में 231 और बेड सेंस में 123 का नियम फॉलो करते हैं और वर्ब हमेशा प्लुरल आती है। इस चीज को हम इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो यू एंड आई, अब यू कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन है, तो हमारे पास में 3 नहीं आया, कोई बात नहीं 3 बोला था 231 हो गया। अब देखो वर्ब कौन सी आएगी, ये नहीं आएगी गलत है, सिंगुलर नहीं आएगी प्लुरल आएगी, अंडरस्टूड। यानी यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट, अब देखिए मोहन, अब आपको एक और बात याद रखनी है, देखो समझना, हमारे पास में यदि कोई नाउन आ जाती है और नाउन के साथ में प्रोनाउन आता है तो हमें पहले नाउन लिखनी होगी, समझ गए, या किसी का नाम है नाउन है तो नाउन को हम पहले लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास में प्रोनाउन तो एक ही तो है आपको, उसके बाद में लिखेंगे। अगर एक और आता जैसे मान लीजिए इसमें आई आ जाता है पर, तो आई बाद में आता क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन है ये फर्स्ट पर्सन है, तो 231 देखो, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास में वर्ब को देख रहे हैं, वर्ब कौन सी होगी, वर्ब सिंगुलर गलत प्लुरल राइट, यू एंड ही, तो यू कौन सा पर्सन है सेकंड या थर्ड, 23 नंबर आ गया निकालो उसमें से 23, तो सेंस भी हमारा कैसा है गुड है, तो यहां पर वर्ब कौन सी आएगी प्लुरल, ये इज गलत। अब देखो आई यू एंड ही 1 2 3 123 और सेंस कौन सा है बेड, तो फिर भी वर्ब तो आ ही आएगी प्लुरल ही आएगी। यू कौन सा पर्सन है सेकंड, ही कौन सा पर्सन है थर्ड, आई कौन सा पर्सन है फर्स्ट, 231 हो गया। यू ई एंड आई आर एफ इज, ये दोनों गलत, आर गोइंग टू कोटा, न की आई के अनुसार एम पर रहे, अंडरस्टूड। इस बात को अच्छी तरह समझोगे आप, देखो आप मेरी बात समझ गए, और हम इस चीज से ये चीज सीखने की कोशिश की हमने कि हम जब अलग अलग पर्संस के प्रोनाउंस आते हैं तो उनको कैसे लिखते हैं, वहां पर सेंस पर डिपेंड करता है उनका सीक्वेंस, बट वर्ब हमेशा प्लुरल ही आएगी, इस बात को आप याद रखिए, वर्ब हमेशा कैसे आएगी प्लुरल ही आएगी। गाइस इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी पार्ट टू, उसके बारे में हम कल वाली लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, और आपके साथ में मैं हमारी जो टाइमिंग है उसको लेकर डिस्कस करना चाहता हूं, इसको इरेज करने पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्यूरीज है या कमेंट्स आते रहते हैं कि सर टेक्स्ट बुक कब स्टार्ट करोगे। गाइस मैं आपको टेक्स्ट बुक का टाइम टेबल नोट करवा देता हूं, उसे देखिए आप, देखिए हमारे पास में जो सबसे पहले हम 10th क्लास लेते हैं सीबीएसई, सीबीएसई 10th उनके फर्स्ट फ्लाइट बुक है, एक और उनके लिए टेक्स्ट बुक है फुट प्रिंट विदाउट फुट। तो देखो ये वाली बुक है हमारी, इस बुक को हम पढ़ेंगे इवनिंग में 7:00 PM to 8:00 PM, समझ गए इस बात को, आपको टाइम होटल है। हमारे पास में गाइस 9th क्लास है सीबीएसई, सीबीएसई 9th क्लास, इसको अपन 6:00 PM to 7:00 PM तक इसको इसकी स्टडी करेंगे।
आपको दोनों क्लास वाले स्टूडेंट्स नोट कर ले, ये हमारी कल से डेली होगी, कंटिन्यू क्लास लगी हमारे पास में एक और क्लास है। देखो सुनो आप, हमारा जो शाम का जो शाम की क्लास रहती है 8:00 PM 00 PM टू 9:00 PM, यहां पर हमारी ग्रामर रहेगी। ये ग्रामर सभी क्लास के लिए कॉमन है, यहीं पर ग्रामर एंड कंपोजिशन, यानी हमारे सारे जो कंपोजिशन वाले जो क्वेश्चन होंगे वो इस वाली क्लास में सोल्व करवाई जाएगी। ये क्लास सभी स्टूडेंट्स हैं, ऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए आप जरूर देखिए। इससे आपको सीबीएसई 10th क्लास हो गया, 9th हो गया, अब देखो हम हमारी आरबीएससी वाली क्लास की बात करते हैं। डायरेक्ट आरबीएससी वाली सारी क्लास हमारी मॉर्निंग में होगी, मॉर्निंग की टाइमिंग में आपको कल डिसाइड करके हमारे टेक्निकल टीम्स के साथ में और बता पाऊंगा। और इसी के साथ में देखो एक और क्लास की मैंने पूरे टाइमिंग डिसाइड की है, 12th क्लास सीबीएसई, 12th क्लास सीबीएसई 12th क्लास के लिए इसकी टाइमिंग रहेगी गाइस 8:00 AM टू 9:30 AM तक ये मॉर्निंग में होगी। इसके बाद में हमारी जो टेक्निकल टीम है वो इसके बारे में डिस्कस कर रही है। हमने अभी तक 3 क्लासेस की टेक्स्ट बुक थी उसकी टाइमिंग फिक्स कर दी है, यहां पर हमारी डेली क्लास होगी। आप हमारे साथ में इस टाइमिंग पर जुड़िए और टेक्स्ट बुक, उसके क्वेश्चन आंसर्स, सारे हार्ड वर्ड्स वगैरह और उस टॉपिक से एग्जाम्स में रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे हम उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की लाइव क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं 8 बजे सिंटेक्स के सब यूनिट सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के पार्ट 2 को लेकर। ओके।